ये लक्ष्मी विद्यालय मेरी खोई हुई बेटी लक्ष्मी की यादगार। ये स्कूल मुझे इतना ही अजीज है जितना कि एक माँ बाप को अपनी औलाद होती है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि आज स्कूल की 16वीं सालगिरह पर मैं इसे प्राइमरी से मिडिल स्कूल बना रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके इंतजाम के लिए मैंने एक बीए पास पति पत्नी के लिए अखबारों में इश्तिहार भी दे दिया। मुझे आशा है कि मेरी कोशिश सफल। माँ, क्या लक्ष्मी भी मेरे ही तरह शरीर से? नहीं, बहुत बड़ा शीतल था। लक्ष्मी की माँ, राजू कैसा है? अजीब लापरवाह लड़का है, आज स्कूल की सालगिरह पर भी नहीं आया। पिताजी, वो तो किसी मंदिर में, किसी तालाब पर या किसी धर्मशाला में दूरबीन लगाकर लक्ष्मी बहन के पास चला होगा। राइट, चाचा जी का चहेता भतीजा, हिंदुस्तान का नंबर वन जासूस राजू लक्ष्मी की तलाश के सिवा और कहाँ जा सकता। लेकिन ये हुलिया क्या बना रखा? माफ करना चाचा जी, वो जासूसी के चक्कर में मैं इन लोगों को। ये लोग कौन है? चाचा जी, ये हजरत बोलते हैं कि ये हमारी लक्ष्मी। नहीं नहीं, ये हमारी लक्ष्मी नहीं हो सकती। अच्छा तो चाची, जरा इस लॉकेट को तो देखिए, क्या ये हमारी लक्ष्मी का लॉकेट? नहीं, ये हमारी लक्ष्मी का लॉकेट है। मुझे तो पहले ही शक था। अच्छा तो जरा इस पाँव का दिल भी देख लीजिए। हाँ हाँ, देख लीजिए, दिखा दो बेटी। लक्ष्मी के दाएं पाँव पर दिल था, बाएं पर नहीं। सरकार जब ये छोटी थी तो दिल इसके दाएं पाँव पर ही था, उम्र के साथ साथ दिल भी बढ़ते बढ़ते बाएं पाँव पर आ गया। हाँ बेटा, दिल न हुआ कंजियर मेल हो गए। राजू, ये बुरुकिया कहाँ से पकड़ लाया? निकाल दो इन्हें। बड़ा आया जासूस नंबर वन। अबे ओ मुर्गा मसल्लम, देख क्या रहा है, जता हो जाए यहाँ से, वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट आउट, चले जा। परले दर्जे के अहमद को, मैंने कहता था ये लड़की नकली है, आज तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान के जासूस नंबर वन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। हाँ, चाची, चाची, आज तुम मुझे लक्ष्मी का सही सही हुलिया बता दो, मैं एक बार फिर अखबारों में इश्तिहार दे दूंगा। भगवान ने चाहा तो नए मास्टर मास्टरानी के साथ साथ हमारी लक्ष्मी भी हमें मिल जाएगी। चंद्रगुप्त बेवकूफ, आ लीजिए साहब। लक्ष्मी बिल्कुल लक्ष्मी, जैसा नाम वैसे ही। जब वो घूम गई तो उसके गले में पान की शक्ल का सुनहरी लॉक और उसके दाएं पांव पर जन्म की पाई के बराबर। Puppy.
पपीहा उस पार सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार बोलत ऐसी मीठी बोली छेड़े मन के तार सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार उस पार उस पार सखीरी सुन बोले पपीहा उस पार पपीहा उस पार सखीरी सुन बोले पपीहा उस गुड मॉर्निंग सर। मिस मेरी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी अचानक ऐसे तब्दीली हो गई। ये रही तुम्हारी तनख्वाह, तुम कल यहाँ से जा रहे हैं। कल जा रहे हैं? हाँ, सरकारी मुलाजमत जो चली। मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास दूसरा काम भी होगा। बस यही एक काम। ओ, ये बात है। क्या तुम दफ्तर का काम करना पसंद करोगे? हाँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे सरसरी जिक्र किया था कि उसके दफ्तर में कुछ क्लर्कों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। जरूर कीजिए सर, बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी कैसे? ये रहा सिफारिश। मुझे उम्मीद है तुम्हें काम मिल जाएगा। थैंक यू सर। देखिए, किरण का गला बड़ा सुरीला है, उसकी तालीम जारी रखिए। जरूर जरूर। गुड बाय। गुड मॉर्निंग। मोहन, मोहन, अरुण। माफ कीजिए, फिर क्या मोहन घर में नहीं है? घर ही में है, सफर की तैयारी कर रहा है। बात यह है मिस्टर अरुण कि मेरी अचानक ऐसे तब्दीली हो गई है, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। कल जा रहे? कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता है। आप जैसे सरकारी मुलाजमों की तब्दीली होती रहती है और मेरे जैसे प्राइवेट मुलाजिम नौकरी की तलाश करते रहते हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो अपने किसी दोस्त के नाम मुझे सिफारशी खत देते जाइए, बड़ी मेहरबानी। खत तो मैंने लिख ही रखा है, ये लो खत और अपनी बकाया फीस। विश यू गुड लक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी चले आए। खुद नहीं आया, उन्होंने भेज दिया है। लेकिन आप भी तो उसी कश्ती पर सवार हैं जिस पर मैं हूँ। जी। आपको कोई सिफारशी खत वगैरह तो दिया होगा? जी नहीं, मैंने सिफारिश के लिए कहा ही नहीं। बहुत अच्छा किया, जवान की लाज रह गई। मैंने तो मुँह फाड़ कर कहा भी था, लेकिन कौन सुनता है गरीबों, साफ इनकार कर दिया। चलो, जिसने पेट दिया है वो दाने भी देगा। इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? घर, मैं बांद्रा रहती हूँ। बांद्रे में? तो फिर इस बस स्टॉप पर क्यों है? आपका बस स्टॉप तो उधर है, ये स्टॉप तो फोर्ट जाने के लिए। जानती हूँ, लेकिन मुझे घर जाने से पहले अस्पताल जाना है, मेरी एक सहेली बीमार है। आप कहाँ जा रहे हैं? सांता क्रूज। सांता क्रूज? तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपका बस स्टॉप भी तो वहाँ है। जी, लेकिन मुझे फोर्ट से एक दवा खरीदना है, मेरी नानी सख्त बीमार है। बस एक सीट है। देखिए, मेरी सहेली बहुत बीमार है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरी नानी आखिरी दमा पर है। जरा सोचिए, दुनिया में सहेलियां तो हजारों मिल जाती है, लेकिन नानी तो बार बार नहीं मिलती। आप आराम से फैसला कीजिए। राइट। देखिए मेरी सहेली। मेरी नानी, एक्सक्यूज मी, माफ करना मेरी नानी। कारोबार फैलाने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, 1 साल के बाद एक चक्कर और लगाइए,
फिर देखेंगे। सुनिए, अगले बरस जरूर तशरीफ लाइएगा। जिंदगी रही तो जरूर आऊंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। क्या पीजिएगा, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। बॉय, एक गिलास ठंडा पानी। देखिए, जब मैं किसी बेकार को देखता हूँ मेरा कलेजा हिल जाता है। क्यों, ठीक कही ना? जी ठीक कहते हैं आप। कुछ लोगों के ख्याल में गवर्नमेंट नए स्कूल और नए कॉलेज खोलकर बेकारों की तादाद बढ़ा रही है। क्या आपका भी यही ख्याल है? जी यही तो गलती है आपकी। अगर रस्सी छूटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुआं बंद कर दिया जाए। हर जवान लड़के और लड़की को पहले तालीम हासिल करनी चाहिए और बाद में सोचना चाहिए कि बेकारी के भूत को किस तरह भगाया जा सकता है। मैंने बड़ी मेहनत के बाद इस भयानक सवाल का एक हल सोचा है। क्या आप सुनेंगे? फरमाइए। थोड़ा ठंडा पानी? नो थैंक्स। पीजिए ना? जी नहीं। अच्छा तो सुनिए, जिन नौजवान लड़कों या लड़कियों के माँ बाप जायदाद के मालिक हो उन्हें नौकरी के मुकाबले में नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से मुल्क की चौथाई बेकारी दूर हो जाएगी। क्यों, ठीक कही ना? जी हाँ। इसी तरह अगर कोई नौजवान लड़का काम पर लगा हुआ हो तो उसे बेकार लड़की से शादी कर लेनी चाहिए और काम पर लगी हुई लड़की को बेकार लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से मुल्क की चौथाई बेकारी और दूर हो जाएगी। चौथाई वो और चौथाई ये, मतलब ये कि कुल मिलाकर के आधी बेकारी दूर हो गई। क्यों, ठीक कही ना? जी जी। बाकी रहे गरीब, उन गरीब लोगों को नौकरी तलाश करने की बजाय अमीर लड़कियों की तलाश करनी चाहिए। अगर हर गरीब लड़का हर अमीर लड़की से शादी करे तो समझ लीजिए मुल्क की तीन चौथाई बेकारी दूर हो गई। अब रहे एक चौथाई बेकार, उनको तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। क्यों, ठीक कही ना? जी बहुत अच्छी कही। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। ख्याल बड़ा बारीक था लेकिन आपकी समझ में आ गया। अब आप ऐसा कीजिए, जाते ही किसी अमीर या किसी बारोजगार आदमी से शादी कर। ठंडा पानी? नो थैंक्स। सुनिए, मशवरा बड़ा कीमती है, फायदा उठाइएगा। आपकी शादी हो गई है? जी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। तो फिर मुझसे? जी आपसे। माय गॉड, मॉर्निंग मिस मैरी गुड। गुड मॉर्निंग मामी। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग मैरी, माय लवी, माय डेवी। जॉन, मेरी ट्यूशन पर गई है, आती ही हूँ। प्लीज सिट डाउन। जरा जॉन के लिए चाय तो ले आओ। फादर, चाय की कोई चाह नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फादर, मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत नाजुक बात है, वेरी डेलिकेट मैटर, और कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ जॉन, तुमसे कर्ज लिए 6 महीने हो। नो 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 फादर, वो बात नहीं, नॉट दैट मैटर। सच्चाई को क्या छिपाना जॉन, मेरी नौकरी तलाश कर रही है। नौकरी मिलते ही तुम्हारी सारी रकम चुका दूंगा। मैं यहाँ कर्जे का तकाजा करने नहीं आता हूँ, मेरे आने का मकसद तो कुछ और ही है। फादर, मुझे मेरी से प्यार हो गया है। आई एम इन लव विद हर, टेरिबली इन लव विद हर। फादर, वैसे तो हर रोज दूर दूर से मेरी शादी के लिए पैगाम आते हैं, पैदल पैगाम, डाक से पैगाम, तार से पैगाम, हवाई जहाज से पैगाम। फादर, आप एक बार मेरी से मेरा जिक्र क्यों नहीं करते? जॉन, मेरी अपना बुरा भला खुद समझ सकती है, तुम उससे बात कर देखो, अगर वो रजामंद हो जाए तो हमें कोई एतराज ना हो। चाय पियो। पापा, मेरी, माय लवली डबी, प्लीज, मेरी लवली डबी, मेरी, इंसान, बेइज्जती, ताहीन, देखा, फादर आपने?
की तो जल्दबाजी से काम लेते हो। जल्दबाजी? फादर, 6 महीने से सब्र के घूट पी रहा हूँ। 6 मंथ फादर, 6 मंथ। अब एक दिन भी नहीं ठहर सकता। एक दिन क्या, एक पल नहीं ठहर सकता। फादर, या तो मेरी का हाथ मेरे दाएं हाथ में दे दीजिए, वरना मेरा 400 रुपए मेरे बाएं हाथ में रख दीजिए। हियर इज राइट, हियर इज लेफ्ट। चूज चूज चूज। अब से काम लो जॉन। मैं मेरी को उसकी मर्जी के बगैर शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकता? बाकी रहा तुम्हारा कर्जा, तो आज भी देना है और कल भी देना है। नो नो नो, इफ नो मेरी नो तेरी। मैं कल ही कोर्ट में केस कर दूंगा और डिग्री लेकर इस मकान का एक एक बर्तन नीलाम करवा दूंगा। 1 2 3 एवरीथिंग ऑप्शन। पापा, ये क्या रोज रोज का तमाशा है? ये लौकिक देख से इसका कर्जा क्यों नहीं चुका देते? मुझे माफ कर दो मेरी, आई एम ए फूल, आई एम ए डैम फूल। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी जबान पर शैतान सवार था। मुझे रुपया नहीं चाहिए, आई हेट मनी, मुझे रुपया से नफरत है। आई लव यू मेरी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें और रुपया दे सकता हूँ। मुझे ना तुम्हारे रुपए की जरूरत है ना तुम्हारी। रहा तुम्हारा कर्जा, जब वो मुंह पर दे मारेंगे। ऑलराइट, गर्मी ना खाओ मेरी, डोंट बी हॉट, मैं कल फिर आऊंगा। गेट आउट। ओके, गुड बाय फादर, गुड बाय डॉटर। डॉटर नो, डॉक्टर नो। टाटा। पापा, कब तक ये आवारा हमें इस तरह परेशान करता रहेगा? क्यों ना ये लॉकेट बेच के इससे पीछा छुड़ा लिया जाए? ना बेटी, ये बेचने की चीज नहीं। मेरी बच्ची, तुम इसकी कीमत नहीं जानती। यही लॉकेट तो हमारे घर में रोशनी लाया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, एक ईसाई के लॉकेट में किसी हिंदू देवी देवता की तस्वीर क्यों? बेटी, सब धर्म एक ही होते हैं, हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। पहले मैं भी तुम्हारा हम ख्याल था, लेकिन जब से इस घर में तुम्हारे कदम पड़े हैं, मुझे हर धर्म से प्यार हो गया है। जिस तरह हर नदी की मंजिल सागर होती है, उसी तरह हर धर्म इंसान को एक ही मंजिल पर ले जाता है। चाहे कोई उसका नाम अल्लाह, कोई गॉड या भगवान रखे। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना। टिकट स्वर्ग की बेच रहा ये अंधी आंखों वाला, टिकट स्वर्ग की बेच रहा ये अंधी आंखों वाला, अरे थोड़ी सी है सीटें बाकी जल्दी करना लाला। अरे तू 2 दिन का मेहमान, अपनी मंजिल को पहचान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना। पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना। जन्म जन्म का पाप दान के साबुन से धुल जाए, जन्म जन्म का पाप दान के, दान के, दान के साबुन से धुल जाए। यहाँ जो देवे एक लंगोटी, वहाँ पे बिस्तर पाए। अरे क्या सोच रहा नादान, ये सौदा कितना है आसान, देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना। तो पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना दो आना।
बाहर मेरे भोले मालिक न्यारी तेरी लीला, बाहर मेरे भोले मालिक न्यारी तेरी लीला, अरे तू भी दर्शन उसी को देवे करे जो खीसा ढीला। अरे मैं मालिक का दरबान, कर लो मुक्ति का सामान, देते जाना अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना, तो पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान देते जाना, अठन्नी या चवन्नी बाबू आना दो आना। वांटेड कॉलम। हाँ दोस्त, कॉलेज के जमाने में मैं भी स्पोर्ट्स कॉलम ही पढ़ता था, लेकिन बीए पास करने के बाद तो वांटेड कॉलम के सिवा कहीं नजर ही नहीं जाती। बाबू, तुम कोई काम धंधा नहीं करते? क्यों नहीं, रोड इंस्पेक्टर हूँ। ओ, पूरे बेकार हो। अरे भैया बहुत खाक छान, लेकिन आजकल नौकरी ढूंढने से तो पत्थर से दूध निकालना आसान है। सच कहते हो बाबू, तुम लोग सिर्फ पढ़ना लिखना ही जानते हो। दरअसल आजकल पढ़ाई के साथ साथ आदमी को थोड़ा बहुत गुरु घंटाल भी होना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं। ये बताओ तुम रोज का कितना कमा लेते हो? अरे बाबू, आजकल मार्केट बड़ी डल है, अमीर लोग जेब में हाथ डालते हुए डरते हैं, फिर भी खाना पीना और सिनेमा होकर कोई 2-4 रुपए रोज बच जाते हैं। बाबू तुम एक काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम? तुम ऐसे करो कि एक खूबसूरत टीन का डिब्बा बनवा लो और उसके ऊपर सुराख कर लो, फिर किसी छापे खाने से कागज छपवा कर उसके ऊपर लगा दो। लेकिन कागज पर क्या लिखा हो? ये भी बताता हूँ, कागज पर लिखा होना चाहिए हाँ कि फुला फुला शहर में एक 2000 साल पुराने मंदिर का पता चला है, खुदाई के लिए दान की जरूरत है। फिर क्या है बाबू, लोग यथाशक्ति तुम्हारे डिब्बे में दान डालते जाएंगे और तुम्हारी जेब गर्म होती रहेगी। ठहरो यार ठहरो, मिल गई। क्या मिल गई? नौकरी इतनी जल्दी? हाँ देखो, लक्ष्मी मिडिल स्कूल के लिए बीए पास मास्टर और मास्टरानी की जरूरत है। सैलरी 200 and 250, गुड बट बहुत मस्त। चली गई। कौन चली गई बाबू? नौकरी। जब आपने तुम्हारा अभी अभी आई और अभी अभी चली भी गई। फिर क्या, मियां बीवी की जरूरत है, अपने बस की बात नहीं। शायद बुजुर्गों ने इसीलिए कहा है कि किस्मत का दूसरा नाम बीवी है। अब ऐसी लड़की मुझे कहाँ से मिलेगी जो बीए पास भी हो और मुझसे शादी करने पर भी तैयार हो। बाबू तुम देखो ऐसे करो। ठहरो यार ठहरो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अम्मा, अंदाओ, आना तो आना। अबे चुप है, ये भी रोड इंस्पेक्टर है, जा जा। माफ कीजिए, मैंने पेट की खातिर झूठ बोला था, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। आइए तशरीफ रखिए, आइए ना बैठिए। पहले तो उस आदमी ने मुझे बड़े बड़े शब्द बाग दिखाए और आखिर में ठेंगा दिखा दिया। मैं तो इतना घबराया कि घबराहट में एक गिलास पानी गले में उंडेल कर वहां से भाग निकला। वो आदमी पहले दर्जे का उचक्का है, लेकिन मैंने पानी पिया नहीं, उल्टा उसे पिला कर आई। बहुत खूब किया। मेरा ख्याल है आप बीए पास तो जरूर होंगे। जी हाँ, सेंट जेवियर कॉलेज की ग्रेजुएट। कॉलेज को कौन पूछता है। देखिए ये स्टार मेरे तो किसी काम का नहीं, शायद आपके काम आ जाए। यहाँ देखिए। नॉनसेंस, ये क्या बात है, हर मास्टरानी शादीशुदा थोड़ी होती है। ठीक कहती हैं आप, और फिर मास्टर को बावले कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो जरूर शादी करे। मुझे एक बात सूझी, बताऊं आपको? कहिए। देखिए नेक नियति से कह रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। अगर आप पहले से किसी बीए पास आदमी से मोहब्बत करती है तो उससे शादी कर लीजिए। मेरा मतलब है आप दोनों को फौरन काम मिल जाए। शुक्रिया, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मुझे एक रास्ता सूझा है, अगर आप उस पर अमल करें तो 2 ही महीनों में कर्ज भी उतर जाएगा और हम दोनों को नौकरी भी मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो नौकरी छोड़ सकते। लेकिन नौकरी है कहाँ? बताता। देखिए किसी भी नए काम में जल्दबाजी से कदम उठाना मुनासिब नहीं, क्या ख्याल है आपका? ठीक कहते हैं आप। जी तो देखिए, मेरी माली हालत इन दोनों बहुत बुरी है, अगर कहीं जल्दी नौकरी ना मिली तो फाको तक की नौबत आ जाएगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। मजाक क्यों करते हैं आप? नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा,
जरूरतमंद आदमी पेट की खातिर क्या कुछ नहीं करता। अगर हम भी पेट की खातिर कुछ दिनों एक ड्रामा खेलें तो क्या हर्ज? आप मुझे थिएटर में भर्ती करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब आप नहीं समझी। मैं कहना चाहता था आखिर ये जिंदगी भी एक थिएटर है। अगर नौकरी की खातिर हम दोनों मेरा मतलब है हम दोनों साफ साफ क्यों नहीं कहते, छुपाने की क्या बात? जी मैं कह ही रहा था, लेकिन देखिए आप बिना सोचे समझे इनकार मत कीजिएगा। अगर सिर्फ नौकरी की खातिर हम दोनों पति पत्नी बन जाए? क्या झूठ मूठ के? शराफत तो दुनिया सोच ही गई है। देखिए आपने जल्दबाजी से काम लिया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मामला सोच विचार का है, जरा ठंडे दिल से गौर कीजिएगा। और देखिए अगर बात समझ में आ जाए तो मैं यही मिलूंगा, आजकल मेरा यही पता है। गुरु इन बातों में कुछ नहीं रखा, अब भी मान जाओ एक डिब्बा उसमें सुराख और एक छपा हुआ कागज। अबे छोड़िए बातें, अपना तीर निशाने पर बैठा है। अब वो कैसे गुरु? अरे लड़की की हाँ का मतलब ना होता है और ना का हाँ, बस अपना काम बन गया। और गुरु जवाब नहीं तुम्हारा है, मैं भी समझ गया कि लड़की की हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब हाँ होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये क्या गुरु, अपना रंग भी हाँ और ना की तरह बदलता रहता है। मैं न जानता था जॉन इतना जलील निकलेगा, ना मैं उससे कर्ज लेता, ना आज तुम्हें जॉन की वजह से इतनी जिल्लत उठानी पड़ती। अब पछताने से क्या होता है पापा, किसी न किसी तरह उसका कर्जा तो अदा करना ही होगा। पापा आज मैंने अखबार में एक इश्तेहार देखा था, एक स्कूल में उस्तानी की जगह खाली है, तनख्वाह 250 रुपया महीना, लेकिन वो जगह यहाँ से 200 मील दूर है। पापा अगर आप मुनासिब समझें तो दरखास्त दे दो। ये कैसे हो सकता है मेरी, आज तक हमने तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं किया, इतनी दूर परदेश में कैसे भेजते? मामी ज्यादा दिनों के लिए ना थे, 2 महीने की इजाजत दे दो, किसी तरह उस मनहूस का कर्ज तो उतर जाए। पापा मम्मी से कहो ना। बेटी हमने पहले कभी तुम्हारी बात टाली, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा, गरीबों का तमाशा। माय बाप देखो आना दो आना। ये ढोंग छोड़ो, बताओ वो कहाँ है? वो आप है, मैं मालूम कौन आ गया। अम्मा गुरु तो गए टाइपराइटर के पास, आप बैठिए वहां भी बुला के लाते उनको। बैठिए बैठिए बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तशरीफ रखिए। देखिए मैं रात भर उसी बात को सोचती रही, आपका आइडिया एक लिहाज से तो अच्छा है। वो तो होना ही था, आइडिया से ही तो दुनिया का चक्कर भी चलता है। आप बाइबल तो पढ़ती होंगी, आखिर ये दुनिया भी तो गॉड का एक आइडिया है। आपने बाइबल पढ़ी है? सिर्फ बाइबल ही नहीं, कुरान वेद गीता सब कुछ पढ़ चुका हूँ। देखिए हम दोनों में कुछ इतनी जान पहचान तो है नहीं, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी क्या है। पहली बार जब मैंने आपको देखा था मैं समझ गया था कि आप एक शरीफ खानदानी लड़की हैं, और जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है मेरा ख्याल है आप मेरे बारे में भी ऐसा ही समझती होंगी। हो सकता है, लेकिन मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं कि अब और धोखा नहीं खाना चाहती। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको चाल चलन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे कामों में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से मशवरा करना चाहिए। बात तो ठीक है, इसीलिए मैं दिल के खिलाफ फैसला करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि 2 महीने के लिए मैं आपकी। कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, मेरी तनख्वाह 200 होगी और आपकी 250। कमाई के लिहाज से तो पति आप होंगी और पत्नी मैं। तो दरख्वास्त तैयार कर दीजिए, मैं साइन किए देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और भी कहना है। मैं समझ गया, आप दिल में किसी किस्म के डर को जगह न दीजिए। अगर आप चाहें तो मैं चर्च जाकर कसम खाने को भी तैयार। आप चर्च को भी मानते हैं? चर्च ही नहीं, मैं तो मंदिर मस्जिद भगवान शैतान भूत चुड़ैल हर चीज को मानता हूँ। आप मानते होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ मेहरबान यीशु मसीह को मानती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप, जरा दस्तखत कर दीजिए। लेकिन देखिए आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त होंगे और कुछ नहीं। आप भरोसा रखिए, सिर्फ नौकरी कायम रखने के लिए जितना ड्रामा खेलने की जरूरत है हम वहीं तक पति पत्नी हैं। उसके आगे मैं वादा करता हूँ कि बस
इसके बारे में मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहती, मुझे शर्म आती। तो छोड़िए, आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आपने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा था। मिसेज अरुण की है। थैंक्स। अब लाइए काना। एक आना? हाँ, स्टाम्प का आधा खर्चा। ये तो सीधी बिजनेस की बात है, अपना अपना खर्चा, अपना अपना मुनाफा। अगर आप हमारे घर आए तो मैं आपको अपने पापा से मिलवाऊंगी, लेकिन आप उनसे इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? नकदों जी, ये लिफाफा लेटर बॉक्स में डाला। गुरु क्यों फजूल के झगड़ों में पड़ रहे हो? शाम को मेरे साथ चौपाटी चलो, हम तीनों मिलकर वो रंग जमाएंगे कि दुनिया देखती रह जाए, माली माली इकट्ठा हो जाए। अरे बड़े मजे का आदमी, खूब दोस्त बनाए आप। गुरु घूम फिर कर इसी घोंसले में लौट आना जल्दी से, इतनी देर में मैं भी एक बिजनेस ट्रिप मार कर आता हूँ। पिताजी। राजू कोई और दरखास्त आई है या नहीं? चाचा जी एक आई। पति पत्नी है? जी हाँ पति पत्नी। ये बहुत अच्छा हुआ, जल्दी से तार दे दो कि फौरन ड्यूटी पर पहुँच जाए। लेकिन चाचा जी दोनों की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं, मालूम होता है कोई खास तजुर्बा नहीं है। राजू तुम हर काम में अपनी जासूसी टांग मत लड़ाया करो, तजर्बा हो ना हो ये पास तो है और फिर पति पत्नी ठहरे, और हमें क्या चाहिए? क्यों बेटी? हाँ पिताजी। जाओ जल्दी से तार दे दो, प्रेसिडेंट वेरी ग्लैड, कम सून। ठहरो, तार के साथ 100 रुपया भी रवाना कर देना, शायद उनके पास रेल का किराया ना हो, समझे? जी चाचा जी। देखिए मिस्टर अरुण बीए के नाम का कोई खत है। पता क्या है? पोस्ट मास्टर की मार्क। हाँ हाँ मनी ऑर्डर है। ओह शुक्रिया। सीताराम राधे श्याम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम राधे श्याम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम राधे श्याम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय सीताराम। सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, भगवान के नाम पर साधु को आना दो आना बाबू। अरे जाजा भीख मांगते शर्म नहीं आती? भैंसे की तरह हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? बाबू मैंने भिक्षा मांगी थी, शिक्षा नहीं, जेब में आना दो आना है तो दे दो, वरना रास्ता पकड़ो। अरे अरे तुम हो? हाँ गुरु मैं हूँ, अब छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। क्यों? आखिर कब तक इस तरह दुनिया को धोखा देते रहोगे? देखो मुझे नौकरी मिल गई, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हाँ गुरु मुझे क्यों कांटों में घसीट रहे हो? अरे तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नौकरी में आखिर क्या रखा है? और भीख मांगने में बड़ी इज्जत? इज्जत तो नहीं है लेकिन जिंदगी का मजा जरूर है। देखते नहीं मैं नित नया भीख बदल कर किस तरह दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, आज लंगड़ा कल अंधा, हर रोज नया धंधा, कमाई की कमाई और मजे का मजा, नौकरी में ये गुलचर रहेगा। हाँ लेकिन तुम्हारी चालबाजी कितने दिन चलेगी? किसी दिन गवर्नमेंट को पता चल गया तो जेल खाने की हवा खाते फिरोगे? कैसी बातें करते हो गुरु, गवर्नमेंट को क्या पड़ी है जो भिखारियों से दुश्मनी मोल लेती फिरे? तुम नहीं जानते ना गुरु, कुछ ही दिनों में एक नया कानून बनने वाला है, जो शख्स भीख मांगता देखा जाएगा पुलिस उसे पकड़कर भिखारियों की बस्ती में ले जाएगी और वहाँ उससे मेहनत मजदूरी करवाएगी। सच कहते हो गुरु? हाँ मैंने कल ही तो अखबार में पढ़ा है। ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। अच्छा साथ तो मैं ले चलता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर कहीं हम ही से 420 ना करते रहना। ऐसा कभी हो सकता है गुरु, अपने धंधे के लिए वहाँ बहुत बेवकूफ होंगे। अच्छा तो आज शाम को तुम मेरी को साथ लेकर स्टेशन आ जाना। ये लो। राइट राइट। राइट।
देखिए साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप अरुण भैया नहीं हो? आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ओह, आप मिस्टर अरुण भैया हैं? जी हाँ। क्या आपकी पत्नी नहीं आई? जी, वो भी आई। मुझे बड़ा धोखा हुआ, आप दोनों को अलग अलग डब्बे से निकलते हुए देखकर मैंने सोचा कि ये कोई और है। नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी ही तो है। फूलों के हार आप लोगों के लिए लाया था और पहना दिए किसी और को। खैर कोई बात नहीं, गंगू उठाओ सामान, जल्दी करो जल्दी करो, मोटर में रखो, उठाओ आओ। गंगू साफ सामान आ गया? अच्छा चल चलो बैठो। पहले आप चलिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है, जवानी का हक बुढ़ापा नहीं छीन सकता। तुम दोनों साथ साथ बैठो, चलो चलो चलो। क्या हर्ज है, बैठिए ना, आप तो मेरे पिता समान हैं। हाँ, जी हाँ, जरूर जरूर जरूर, आपके पिता समान हूँ। आइए आइए अरुण बाबू, आइए। ये आओ आओ आओ, लक्ष्मी की माँ। नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम आर के राजू, मैं लक्ष्मी विद्यालय का सेक्रेटरी हूँ और शौक के लिए थोड़ी बहुत जासूसी भी कर लेता हूँ। आपकी दुआ से लोग मुझे हिंदुस्तान का नंबर वन जासूस कहते हैं। बस 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 बस, बड़ा बातूनी लड़का है, मेरे एक दोस्त का बेटा है, बचपन ही से हमारे यहाँ परवरिश पाई है। अच्छा राजू, तुम जाओ और इनका सारा सामान बंदे में रखवा दो। अच्छा। जाओ जाओ। लक्ष्मी की माँ, ये है हमारे नए बीए पास मास्टर और मास्टरानी, कोई पुराने लोग नहीं है, अपने बच्चों की तरह है। ये है अपनी बिटिया की तरह और वो अपने दामाद की तरह। लक्ष्मी की माँ, मैंने इन्हें बता दिया है कि तुम्हें स्कूल कितना प्यारा है। हाँ बेटी, ये स्कूल ही तो मेरा जीवन है। प्यारे, एक बात तो बताओ। पूछिए। ये तुम्हारे मास्टर पहले क्या काम करते थे? आपने मेरे मालिक का नाम तो यूं ले दिया जैसे कि वो हारमोनियम मास्टर हैं। अजी सरकार वो बहुत बड़े आदमी हैं, आधी बम्बई की जायदाद है, अरेस्ट कोर्ट, बोरी बंदर हाई कोर्ट, हैंगिंग गार्डन, पुलिस कोर्ट और न जाने क्या क्या है उनका, क्या क्या बताऊँ आपको। अगर ये बात है तो फिर वो यहाँ क्यों आ गए? यही तो राज की बात है। राज ही? इसमें कोई राज है? जरा कान में बता दो प्यारे। इतना बड़ा राज जो ही छोटे से कान में डाल दूं, ये नहीं हो सकता। और हाँ, होने को हो भी सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप पहले जरा नकदऊ निकाले। नकदऊ? वो क्या बोला है? नहीं समझे? नहीं, नकद से नकदऊ। ओह, समझ गए समझ गए। ये लो। ये तो कोई बात नहीं ना। नक दो, तुमने यहाँ भी अपना धंधा शुरू कर दिया। गुरु, चोर चोरी छोड़ सकता है मगर हेरा फेरी नहीं। देखिए, आप इसे पैसा वैसा हरगिज न दीजिए और इसकी बातों पर भी मत जाइए। राइट, लेकिन इसने तो आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ गुरु, सब कुछ बता दिया है। हिमालय की बात शुरू की थी और राई के दाने पर छोड़ दी लाकर। बाकी हाल कल बताऊंगा बाबूजी। गुरु, नहाने का पानी तैयार। देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर 5 मिनट की मोहलत हो तो। देखिए, पानी ठंडा हो रहा है, अगर 5 मिनट की मोहलत हो तो। माफ कीजिए, मैं अभी आया। मेरा ख्याल है आपकी उम्र पूरे 20 बरस की होगी। जी। आपके माता पिता हैं? जी। आप उनकी असली बेटी हैं या किसी से उधार मांगी हुई? क्या मतलब है आपका, ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? श्रीमती जी, जरा सब्र से, मैं तो आप ही की भलाई के लिए कह रहा था। मेरा मतलब है, अगर आप कहीं हमारी खोई हुई लक्ष्मी निकल आई तो राय साहब की आधी जायदाद की मालिक आप और मेरी आधी मेहनत। मुझे माफ, ये देखिए इश्तहार। ये सब क्या तमाशा है? जिस दिन ये तमाशा सच होगा उस दिन बताशा बटेगा। जवाब नहीं है आपका बाबूजी, आप अभी तक यहीं हैं, मैंने क्या कहा था आपसे? जा रहा हूँ प्यारे, जा रहा हूँ। चलो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त? नाम चंद्रगुप्त और हुलिया जानी वाकर। ओ, 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 ओ। गुरु, माय गॉड, कितने अच्छे आदमियों से पाला पड़ा है। एक वो बुट्ठा है तो वो खपती,
दूसरा उनका होने वाला दामाद आधा आदमी है आधा पैजामा, न जाने इन लोगों से कैसे निभा होगा। इन मुसीबतों का तो बस एक ही इलाज है, वो लोग जो कुछ भी कहें या करें हम कुछ परवाह नहीं। खूब कही, वो लोग हमारे उल्टे सीधे रिश्ते जोड़ते रहे, मेरी मांग में सिंदूर भरे, मेरी आंखों में काजल लगाए और मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं। मगर दूसरा कोई चारा भी तो नहीं, जैसे भी बन पड़े ये दो महीने आंख मीच कर गुजार नहीं। देखो हिंदू धर्म में शादीशुदा लड़की को सिंदूर लगाना जरूरी है, और अगर तुमने ऐसा न किया तो वो लोग शक करने लगे। सिंदूर लगा लिया करो, आखिर हर्जी क्या है। लेकिन कैसे लगाऊं, मुझे ये सब कुछ कहाँ आता है। कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं, कोशिश कर देखो सीख जाओ। लेकिन देखो आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना, और मैं भी तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं। अच्छा मैं वादा करता हूँ, अब तुम जाओ, सफर की थकान होगी जरा आराम कर लो। देखो एक और बात का ध्यान रखना। कौन सी बात? ये सलीब का निशान। गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी हिफाजत सबको करनी पड़ती। जी हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए बच्चों, ये आपके नए मास्टर हैं। नमस्ते। नमस्ते। बैठ। चलिए आप क्लास पर। मास्टरानी जी आपको भी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बच्चों, तुम अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालो, जरा मैं देखूं तुमने क्या क्या सीखा। मास्टर जी सीखते कैसे, यहाँ सिखाने वाला कौन था। तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद दो महीने में किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। मास्टर जी पढ़ाया होता तो फिर आप यहाँ क्यों आते। काफी शरीर लड़के हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ो। अकबर आजम के वजीरों में बीरबल नाम का एक हसमुख वजीर था। देखा चंद्रगुप्त, हमारी लक्ष्मी की फोटो हमारी मास्टरनी से कितनी मिलती जुलती है। अरे यार बिल्कुल नहीं मिलती। चंद्रगुप्त तुम्हारी आंखों को चश्मे की जरूरत है, देखो गौर से, वही आंखें, वही नाक, वही मुंह, बिल्कुल वही नक्शा है। सच, बिल्कुल सच। राइट। इस बात का फैसला हमें आज रात तक कर देना चाहिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। तेरा ये मेरी बेटी सीता है। नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटा
आज रात को तुम दोनों ने खाना हमारे यहाँ खाना होगा और खाने के बाद मेरा नाच भी देखना होगा। अच्छा हम आ जाएंगे। चलो दीदी आओ। अब मुझे इजाजत दीजिए। आप क्यों जा रहे हैं? नाच नहीं देखेंगे? नाच देखने से मुझे बदहजमी हो जाती है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जाओ जाओ आओ बेटा बैठ बैठ बैठो। अरे ये क्या वहां बैठो ना। आप शर्माने की क्या बात है। पान बना कर दो। इनके हाथ में कांटा चुभा हुआ है। मैं खुद बना लू। नाटक तो जानती है हर किस्म के गाने पर। जी बड़ी खुशी से कल से भेज दिया। अरे वाह प्यारे तुम तो अंग्रेजी भी जानते हो। नहीं बाबूजी तस्वीरें देखकर ही मतलब समझ रहा हूँ। जरूर जरूर आजकल मॉडर्न पढ़ाई तो ऐसी शुरू होती है। लेकिन प्यारे तुमने अपना नाम नहीं बताया।
तुम्हारा नाम तो कुछ बड़े दबदबे वाला होना चाहिए। हाजी बाबूजी बिल्कुल ऐसा ही नाम है। मेरे नाम पर ही तो दुनिया के बैंक मिले और सब कारोबार चलते हैं। मगर बाबूजी जब मैं खुद यहाँ हाजिर हूँ तो फिर नाम की क्या जरूरत। अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था। क्या रे तुम्हारी मालकिन बम्बई की रहने वाली है? ऐसा ही समझ लीजिए। क्या वो अपने माँ बाप की असली बेटी है या गोदली हुई? हो सकता है किसी से उधार ले रखी हो। अच्छा प्यारे ये तो बताओ उसके दाएं पांव पर कोई तिलविल का निशान है? अजी हाँ बाबूजी है और वो भी तरबूज जितना बड़ा। अरे भाई मैं तुमसे तुम्हारी मालकिन के पांव का जिक्र कर रहा हूँ किसी हथनी के पांव का नहीं। ठीक से जवाब दो प्यारे। हाँ तो बाबूजी तरबूज बराबर नहीं तो यूं समझ लीजिए कि चींटी की दुम बराबर होगा। बड़े पहुंचे हुए आदमी हो प्यारे। अगर मगर से ही टाले जा रहे हो कम से कम इतना तो बता दो तुम्हारी माँ की शादी कब हुई थी? देखिए बाबूजी जो सवाल आपको मेरे बाप से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे भाई तुम मेरा मतलब नहीं समझे। माँ से मतलब है तुम्हारी मालकिन। ओ मालकिन। बाबूजी इस तरह आप किसी का राज मुझसे नहीं पूछ सकते। राज? कोई राज है? क्या राज है वो? बाबूजी मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ कि अपने मालिक का राज मुफ्त में आपको बता दूँ। अरे प्यारे मुफ्त में कौन पूछता है। ये लो अब कोई बात बनी ना। हाँ जी चंद्रगुप्त जी लिखिए। हमारे साहब और हमारी बीवी दोनों एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। साहब चोरी चोरी बीवी को ताड़ते थे और बीवी साहब को ताड़ती थी। प्रोफेसर इन दोनों को ताड़ता था और लड़के प्रोफेसर को ताड़ते थे। लड़के प्रोफेसर को प्रोफेसर लड़के को बीवी को साहब साहब को बीवी प्रोफेसर को लड़के लड़के को प्रोफेसर। बस 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 क्या हुआ? अरे भैया आलतू फालतू बातें रहने दो ये बताओ कि पहले किसने किसे देखा? बाबूजी इस बात का फैसला तो वो दोनों खुद अभी तक नहीं कर पाए। इसी बात पर रोज मुर्गे मुर्गे की लड़ाई होती है। बीबी कहती है कि पहले तुमने और बाबा कहते हैं कि पहले तुमने। मेरा मतलब है कि साहब कहते हैं कि पहले तुमने मुझे देखा। वो कहती है नहीं पहले तुमने। वो कहते नहीं पहले तुमने। वो कहती है पहले तुमने। वो कहती है पहले तुमने। वो कहती पहले तुमने। पहले तुमने। मगर प्यारे पहले ये तो बता दो कि उन दोनों की शादी कब हुई थी? बाबूजी शादी का किस्सा तो फिल्म भाई भाई जितना लंबा है और आपने नकदव दिया है सिर्फ ट्रेलर जितना। आपने फिल्म हातिमताई देखा है? हाँ। फिर कंजूसी मत कीजिए जरा और नकदव निकालिए। अच्छा प्यारे हाँ। और लो अब आगे बोलो। हाँ जी तो फिर वही हुआ जो होना चाहिए। ये हुआ कि जिस दिन बीबी को साहब नजर ना आए बीबी साहब के घर और जिस दिन साहब को बीबी नजर ना आए साहब बीबी के बंगले पर। वहां से घूमते घूमते समंदर के किनारे वहां से फिर सिनेमा सिनेमा से बाग बाग से घर घर से सिनेमा सिनेमा से बाग बाग से सिनेमा घर बाग सिनेमा। हत्ता कि ये बात उन्होंने दुनिया पर साबित कर दी कि दुनिया गोल है। गोल क्या है? गोल मटोल है। लेकिन तुम इतना बता दो प्यारे कि उन दोनों की शादी हुई किस तरह? कमाल है बाबूजी जिस बात को होने के लिए पूरे 3 साल लग गए वो आपको 3 सेकंड में कैसे बता दूं। हाँ अगर आप थोड़ा सा नकदव और अरे कभी तो भूल जाया कर प्यारे। अब तो जेब खाली हो गई है कल दे दूंगा। ओहो आपकी जेब खाली हो गई है और मेरा गला थक गया है। मैं अभी आपको बाकी का हाल कल ही बता दूंगा। तो तुम समझते हो मैं रात ही रात कहीं भाग जाऊंगा? कल जो चाहे ले लेना। तो आप क्या समझते हैं कि मैं रात ही रात को गुम हो जाऊंगा? आप कल जो चाहे सुन लेना। अब वो छुट्टी की घंटी बज गई अब आप भी छुट्टी कीजिए। नमस्ते राम राम गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। देखो बेटा आज हमारी बड़ी लड़की का जन्मदिन है। लक्ष्मी की माँ ने बिटिया रानी को बुलाया है। राय साहब आज शाम को हमें घर पे बहुत काम। काम कल हो जाएगा। तुम नहीं जानते बेटा लक्ष्मी की माँ इसे देखकर यही समझती है जैसे उसे अपनी खोई हुई लक्ष्मी मिल गई है। इसे जरूर भेजना। अच्छा राय ये आ जाए। अच्छा अच्छा नमस्ते जरूर आना जरूर आना। आज मेरी बच्ची की बेटी था लीला। उसे 2 से 16 साल
मुझे कोई खास भूख नहीं, तुम खा लो। नहीं नहीं, खाना तो खाना ही पड़ेगा। बुजुर्गों ने कहा है कि भूखे को भगवान भी नहीं मिलता। सच कहते हो गुरु, जीव आत्मा, परमात्मा, देह आत्मा और मुझ जैसे धर्म आत्मा सबको खाने की जरूरत पड़ती है जी। ये तो शास्त्री थे ही, तुम भी ज्ञानी नहीं थे? अजी हाँ देवी जी, हम लोग हिंदू हैं और वो भी संपूर्ण हिंदू। हम लोगों का जन्म ज्ञान में होता है, प्रमाण ज्ञान में होता है और संस्थान भी ज्ञान में होता है। शास्त्रार्थ रहने दो, पहले उधर सब्जी दो, देखना आज खाना कितना अच्छा बना। तो अच्छा ही नजर आ रहा है। काश ऐसा खाना पकाती तो राजा नल उसे कभी ना छोड़ता। देवी जी ये वो खाना है जो एक बार खा ले तो उम्र भर याद रखेगा। ये तो सिर्फ मिर्चे ही मिर्चे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ये चक्की है। नद्दो, सब्जी में इतना नमक कहाँ से आ गया? कहाँ से मिर्चे आए थे गुरु? किताब आपकी, आंखें आपकी, जबान आपकी, मेरा क्या कसूर है? अरे मैंने तो तुम्हें सही सही पढ़कर बताया था। तो फिर वजन में गलती हो गई होगी। 2 रुपए बचा लिए और खाना हराम कर दिया। अच्छा, तो तुम लोगों ने मसाला तोड़ तोड़ के खाना पकाया है? घर में कोई सब्जी बाकी है? सब खत्म हो गई? बहुत सब्जी है, बहुत सब्जी है। चलो मैं पकाती हूं। चलिए चलिए, आप मजा आएगा। मास्टर जी कहाँ है? अंदर है, अभी आती हूँ। चाय पियोगी? जी नहीं, मैं तो अभी अभी मास्टर के साथ बासी रोटी खा के आ रही हूँ। मास्टर जी ये मेरा नेकलेस देखिए, कैसा है? बॉम्बे से मंगवाया है मास्टर जी। बड़ा और झुमके मास्टर जी, ये भी बहुत अच्छा। और देखिए, मैं क्या जानू, वो रही तुम्हारी दीदी, उससे पूछ। क्यों दीदी, तुम कहो कैसे है? हाँ हाँ अच्छी है, पहले तुम यहाँ से उठो। क्यों जी, मैं क्यों उठूँ यहाँ से? क्या यह सोफा हमारा नहीं? क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो है। ये सोफा तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है और हम भी तो तुम्हारे हैं। अब तो उठो। नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगी। चलो चलो उठो, चल के गाना सीख लो। देखो मास्टर जी, दीदी ने मुझे कैसा मारा, मुझे तो कभी माँ ने भी हाथ नहीं लगाया। माँ बाप से ज्यादा हाथ उस्ताद का होता है। जाओ गाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द, बड़े बेदर्द, न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द, बड़े बेदर्द, न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नाना।
बड़े दिन सर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बत्तियों में भूल के नानो। बहुत अच्छे, इतने नेक ख्याल, क्या नसीहत है, क्या शिक्षा। तुम्हें भी पसंद आई? क्यों नहीं, अच्छी बात सबके लिए अच्छी होती है। इजाजत हो तो मैं भी इसे थोड़ी सी नसीहत कर दूं। शौक से? दुनिया के साथ चलो, नया जमाना है ये, मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये। दुनिया के साथ चलो, नया जमाना है ये, मर्दों को दोष देना राग पुराना है ये। झूठी इनकी जात कहो या कहो इन्हें दीवाना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। गुरूर लड़ना नारी की भूल है ये, ठंडा मिजाज रखना पहला असूल है ये। गुस्सा गुरूर लड़ना नारी की भूल है ये, ठंडा मिजाज रखना पहला असूल है ये। बात पते की कहता हूँ मैं चाहे कहो दीवाना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। मास्टर जी आपने तो कमाल कर दिया। ये आपकी क्या राय है? मुझे बिल्कुल पसंद है मास्टर जी, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर इतना ही पसंद है तो कल से इन्हीं से गाना सीख लेना। जरूर सीखूंगी। आदिति दीदी मैं तो भूल ही गई थी, माता जी ने आप दोनों को खाने पर बुलाया है, हम नहीं आ सकते, हमें स्कूल जाना है। स्कूल कैसा? आज तो इतवार है ना? हाँ हाँ, इतवार को हमें भूख नहीं लगती। मैं कुछ नहीं जानती, माता जी ने संदेश दिया था, मैंने आपसे कह दिया। जी चाहे तो आइए, नहीं तो घर में बैठिए, मैं तो चली। इतने बड़े आदमी प्यार से अपने घर बुलाए तो जाने में हमारा क्या नुकसान है? तुम क्या जानो क्या नुकसान है, देखा नहीं कल रात को वो दोनों कैसे घुल मिल रहे थे, जैसे तुम उनके दामाद हो और मैं उनकी बेटी। जरूर जानबूझकर कोई बुढ़ा बुढ़ी को उकसा रहा था। तो क्या इसमें मेरा हाथ है? और किसका होगा, ये झूठ मूठ की शादी तुम्हारे दिमाग का तो कमाल है। न तुम इतना खूबसूरत ढूंढ रहे थे, न वो लोग मेरी जान को आते। आखिर कौन होते हैं मेरे, क्या मैं लगती हूँ उनकी? तुम समझती हो कि मेरी नीयत बुरी है? मैं ऐसा आदमी नहीं, देखो जिस तरह भी बन पड़े ये दो महीने जो ही त्यों ही गुजार लो, तनख्वाह मिलते ही फौरन चली जाना। मेरा क्या जो मुझ पर गुजरेगी मैं देख लूंगा। तुम जानो मुझे क्या, लेकिन मैं उनके घर खाना खाने नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुम अकेले चले आए, हमारी बेटी कहाँ है? जी उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, अजीब आदमी हो, उसे बीमारी की हालत में अकेले घर छोड़कर तुम खुद यहाँ चले आए, आखिर तुम्हें घर बार का कुछ ख्याल है या नहीं? नहीं नहीं राय साहब, मैंने सोचा आप खामखा हमारा इंतजार करते रहेंगे, इसलिए मैं आपको खबर करता जाऊँ। बस बस तुम घर जाओ, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। नहीं नहीं राय साहब ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ तुम जाओ। नहीं नहीं राय साहब सुनिए, जाओ जाओ, अजीब आदमी है। माफ करना मैडम, मैं गलती कर बैठा। गलती के सिवा अब तुम करोगे क्या, ये कोई नई बात नहीं है, अब क्या हुआ है? बात यह है कि तुमने तो खाने पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं वहाँ चला गया, उन्होंने तुम्हारे न आने की वजह पूछी तो मैं शामत का मारा कह बैठा कि तुम बीमार। बस मेरे मुंह से ये लफ्ज निकले ही थे कि राय साहब सावन भादों की झाड़ी की तरह मुझ पर बरसने लगे।
तुम उसे बीमारी की हालत में छोड़कर यहाँ क्यों आए? तुम्हें घर बार का कुछ ख्याल नहीं, फौरन घर जाओ और मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैडम अब डॉक्टर आ रहा है, किसी तरह बात को संभाल लेना वरना मेरी खैर नहीं। अच्छा तो अब तुम्हारी बात रखने के लिए अच्छी भली होते हुए मुझे बीमार बनना पड़ेगा? मेरी खातिर ना, मेरी नौकरी की खातिर ऐसा कर लो, बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। तो फिर बीमारी का नाम भी बता दीजिए। टीबी, निमोनिया, गठिया, पागलपन, कौन सी बीमारी तजवीज फरमाते हैं आप? जो आप पसंद करें। मेरा मतलब है मैंने तो किसी खास बीमारी का जिक्र नहीं किया। वो लोग आ रहे हैं, लेट जाओ ना प्लीज। बेटा अरुण आइए बैठिए, आइए आइए। बेटी क्यों? बेटी क्या हो गया तुम्हें, क्या बीमारी है? क्या हुआ बेटी? वही जी देखिए ना, देखिए ना। कोई परवाह नहीं, बीमार अगर न भी बताए तो कोई परवाह नहीं, मैंने बहुत से गुंगों का भी इलाज किया है। राय साहब इसके दिमाग में सर्दी जम गई और इस बीमारी के बीमार बिल्कुल मुर्दों की तरह लेटे रहते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैं भी वो गोली दूंगा, गोली अंदर और बीमारी बाहर। सर्दी लगी है तुम्हारे दिमाग को, मैं अच्छी भली हूँ, जाओ यहाँ से। दिमाग की सर्दी के साथ पित्त की गर्मी भी है, ज्यादातर दिमाग की सर्दी और थोड़ी सी पित्त की गर्मी है। मैं 3 गोली सर्दी निवारण और 1 गोली पित्त निवारण देता हूँ, थोड़े से शहद में मिलाकर दे दीजिए। शहद में क्यों, 16 भर जहर में मिला के खुद खा लो। रोग तो गलत निकला, अब पित्त की गर्मी ज्यादा है और दिमाग की सर्दी कम। कोई बात नहीं, मैं 3 गोली पित्त निवारण और 1 गोली सर्दी निवारण देता हूँ। ये गोलियां रखो अपने घर में, सर्दी गर्मी तुम्हें हुई है, मुझे नहीं, जाओ यहाँ से, गेट आउट। ओह माय गॉड, अब समझा, ये तो न दिमाग की सर्दी है न पित्त की गर्मी, भूत प्रेत का साया पड़ गया है। भूत प्रेत का साया हुआ है तुझ पर, मुझ पर नहीं, अभी निकालती हूँ तेरा भूत। भूत भूत कुछ नहीं, चलिए यहाँ से चलिए। एक साथ में आपने 3-3 बीमारियां। तो क्या मैंने झूठ बताया है? जैसे जैसे बीमार की हालत बदलती गई वैसे वैसे बीमारी बदलती। जो होना था हो गया, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, वो लोग अपने आप चले जाएंगे। पहले तुम्हारे कहने से मैंने कान बंद कर लिए, अब तुम कहते हो आंखें बंद कर लो, ये सब मुझसे नहीं होगा। ओम तत् सत्, ओम छिन छिन सतिन सतिन चर सतिन, भाग रे भाग काले भूत शैतान के तूत, वरना मारूंगा सारे। सुना तुमने, इन सबको बाहर निकालो वरना मैं सबके सामने तुम्हारा भांटा फोड़ दूंगी। ओम सुंदरी आनंद भैरवी नीली सुधैकारी जंतर मंतर तंतर काम करंतर मंतर, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। बस करो बस करो, ये सब फजूल है। देखिए ये भूत हिंदू नहीं है जो संस्कृत के मंत्रों से भाग जाएगा, ये किसी ईसाई का भूत है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खा लो। भूख कैसे नहीं होगी, सुपर को भी कुछ नहीं खाया, आखिर नाराज किसके हो तुम? किसी पर भी नहीं, तुम जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी सरफरी हो तो मैं कभी तुम्हें यहाँ नहीं लाता। और अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने चालबाज हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ ना आती। तो मैं चालबाज हूँ? तो क्या मैं सरफरी हूँ? अच्छा अच्छा, अब बहस से क्या फायदा, मैं ही चालबाज हूँ। लग जाओ तुम खाना खा लो। अब तुम बताओ तुम किससे नाराज हो? मेरी क्या मजाल जो मैं किसी पे गुस्सा करूँ, मैं तो अपने आप से नाराज। बड़े स्कूल में हो और तो मुकाबला करने चले, चलो उठ के खाना खा लो। उधर 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 अरे अरे नगदो। तुम बे थैंक।
मैं वहां से स्कूल चला जाऊंगा, तुम भी वहीं आ जाना। आओ जी। आज रात को जरूर खड़ा होगा नगदों, किसी तरह मेरे आने से पहले ही तुम उसे खाना खिलाकर सुला देना। देखो वो रसोई का दरवाजा खुला है, मैं वहीं से आ जाऊंगा। आप कब तक इंतजार करेंगे? 9 बज गए, आप खाना खा लीजिए। सच सच बताओ उन्होंने क्या कहा था? जबानी तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन गुरु की शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो आज रात को घर नहीं आने वाले। सर नहीं आएंगे तो खाएंगे कहाँ और सोएंगे कहाँ? सच सच बताऊं बीबी जी, दरअसल गुरु को आपसे डर लगने लग गया है। आज का खाना तो राय साहब क्या खा लेंगे और रात को किसी दरख्त के नीचे सो जाएंगे। दरख्त के नीचे सोए या दरख्त के ऊपर चढ़कर, मैं उनके लिए नहीं जाऊंगी। आवाज कैसी थी? कोई बैल बैल होगा? रसोई में बैल? मैं खुद देखती हूँ। अब बैल दाल पका रहा होगा। देवी जी इस कमरे में तो चूहे हैं। अच्छा तो ये इतनी रात गए आप आत्मचोली खेल रहे हैं? पहले क्या घर में कम मुसीबतें खड़ी कर रखी है जो दुनिया को ये तमाशा दिखाओगे? मैं पूछती हूँ आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज तुम गुस्से में थी। मैं गुस्से में हूँ, जो जी चाहता है गढ़ लेते हो। मैं जानती हूँ तुम उन लोगों से मेल जोल पक्का करना चाहती हो, शौक से करो, लेकिन मुझे इस बीच में मत डालो, समझे? देख रहे हो मेरे भाई? हाँ गुरु, देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। गुरु घबराते क्यों हो? मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। क्या बात है, Thank you.
नाक खुल गया और वो भाग निकला। तुम वक्त भागने के जाओ, बेफिक्री से सो जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं। मुझे डर लगता है। डर कैसा, लग दो या पहरा देगा और फिर मैं भी हाल ही में हूँ। चलो चलो लग दो जी, होशियार रहना। आप बेफिक्र रहिए। अपना ही दरवाजा था।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सारी रात चलते रही? तो क्या, तुम तो अच्छी तरह सोई थी। हाँ, मैं तो खूब सोई और एक अजीब सा सपना भी देखा। क्या था वो, सुनाओ जरा। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है, क्या जान सपने में आया? तुमने कैसे जान? इसमें जानने की कौन सी बड़ी बात, तुम्हारे ख्वाब में या जान आ सकता है या मैं। बैठ जाना। बात यह है कि अगर वो लोग खामोखा हमारा रिश्ता ना जोड़े तो मैं यहाँ से जाने का नाम भी लूंगी। इससे अच्छी बात क्या, तुम रुक ही जाओ, ये कुंवारा का आश्रम है, यहाँ तुम्हें कोई खतरा है। क्या तुम सदा कुंवारे रहोगे? कौन जाने, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दरअसल हम तुम मियाँ बीवी तो हैं, फिर अगर वो लोग ऐसा समझें तो तुम बुरा क्यों मानती हो? बुरा नहीं मानूंगी, तुम औरत होती तो पता चले। अच्छा छोड़ो ये सब बात, तुम रात भर के थके हुए हो, मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बना। बेटी मुझे यकीन नहीं आता कि महीना भर में कोई स्कूल को इतना कैसे सुधार सकता है। मैं सच कहता हूँ कि तुमने तो स्कूल की काया ही पलट दी। मुझे आशा है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो एक ना एक दिन ये स्कूल जरूर हाई स्कूल बन जाए। क्यों नहीं, वो दिन कोई दूर तो नहीं। हाँ राजा, आप चिंता मत कीजिए, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बिटिया रानी को दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर इसे फजूल खर्ची में उड़ा दोगे। हाँ जैसे आपकी मर्जी, हम में कोई फर्क थोड़े। देखा चुपके से चला गया, तुम हमेशा इसे अपने काबू में रखना, ये लड़के बड़े लापरवाह होते हैं। जब उस दिन तुम बीमार पड़ी थी तो तुम्हें अकेला घर छोड़कर हमारे यहाँ चला आया, न देखभाल न दुआ, भला ऐसे कभी गृहस्थ चलता है? तुम्हें इसलिए हमेशा नजर रखना। चाचा जी सिर्फ नहीं नहीं, हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा मुझे अच्छा। नमस्ते न। तुम तो खूब बच निकले, लेकिन मेरी शामत आ गई। तुम्हारे जाते ही राज साहब मुझे नसीहत से नसीहत करने लगे, कह रहे थे कि मुझे तुम पर पूरा पूरा काबू रखना है, और ना जाने चखारे ले लेकर क्या कुछ बयान करते रहे। ये ना तुम्हारी तरफ मुझे कोई खास जरूरत नहीं, पहले तुम जॉन का कर्ज अदा कर दो, अगर जरूरत पड़ी तो अगले महीने लौटा दे। तुम्हें कहीं नहीं भेजना? मुझे कहाँ भेजना है, कोई रिश्तेदार तो होगा? नहीं। ये लो सारा रुपया, मेरे घर के पते पे मनी ऑर्डर कर। ये सब मेहरबान यीशु मसीह की बरकत है कि आज हम तुम्हारा सब कर्ज अदा करने के काबिल हुए। ये लो अपना 400 रुपया और लाओ मेरा प्रॉमिस ले लो। माय गॉड, एक महीने में 400 की कहां से आई, क्या लॉटरी निकली है? लॉटरी नहीं निकली, एक आदमी ने कर्ज किया। लाओ मेरा प्रॉमिसरी नोट। देता हूँ ये लो। अब पापा बात ये है कि पहले ये बताइए कि मेरी कहाँ है। 100 बार कह चुका हूँ तुम्हें मेरी का पता नहीं बताओ, ये बार बार क्यों पूछते हो? तो नहीं बताओगे? नहीं। ये बात है? हाँ यही बात। गुड बाय टाटा। देखो ऐसी दादी, शुक्र है आज जूं जूं करके कष्ट से जान छूटी। तुम्हारा भी शुक्रिया तुम्हारे खूबसूरत मशवरे का। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना है, अगर तुम मेरा मशवरा न मानती तो ये दिन देखने में ना। कुछ भी हो सोचते तो मैं खूब है, किस मौके पर कौन सा रूप भरना है ये कोई तुम्हें सोच। मास्टर जी क्यों सीता कैसे हैं? तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे मास्टर जी से काम है। मास्टर जी से तुम्हारा क्या काम है? गाना सीखने आई हूँ और क्या, आज से गाना वाना सब बंद, चले जाए। बड़ी आई मुझे यहाँ से निकालने वाली, मैं आज ही पिताजी से कहकर तुम्हें डिसमिस करवा दूंगी। हाँ हाँ, जैसे घर की मालिक तू ही तो है, जैसा जी चाहे करेगा। क्या जाओ, ओह देख लेना मैं क्या करती हूँ। चलिए मास्टर जी, मैं अपने ही घर में सीख लूंगी। जरा सुनो, आइए ना मास्टर जी। चलिए मास्टर जी। आज नहीं पिता, मैं कल आऊंगा। कल नहीं, आज आई मां, कभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चले जाओ यहाँ से। आइए ना मास्टर जी। नहीं मास्टर जी, नहीं।
क्यों नहीं जाएंगे? मैंने जरूर लेकर जाऊंगी। तुम देखोगे मास्टर जी मुझे घर पे आकर गाना सिखाएंगे, नहीं तो मैं अपना कान काट डालूंगी। मेरी बला से कान क्या नाक भी कटवा डालो। चलिए कहीं की चंगे होगी तुम। जरा शक्ल तो देखो अपनी, एक तो करेला दूसरे दिन चला सरप न कर कहेगी। वाह 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 गुरु, आज तो रुक्मिणी और सत्य भामा फिर से जिंदा हो गई। जी किनका नाम मेरा? पुरानों की बात कर रहा है। रुक्मिणी और सत्य भामा तो बहने थी, दिन हो या रात उनका काम आपस में लड़ते ही रहना था। ये बात है ना प्रभु, हम दोनों शहर के लिए जा रहे हैं, घर का ख्याल। अच्छी बात है जी। चाची चाची चाची, कुछ और, बस कुछ और। रुपए से तुम रोज ही ले जाते हो, मगर लक्ष्मी का भी कुछ पता लगाया? चाची कोशिश तो दिन रात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। लक्ष्मी का हुलिया पुराने ढंग का है और लोग आजकल मॉडर्न हो गए। जिस लड़की को भी देखता हूँ गले में लॉकेट की जगह सिर्फ गला ही होता है, बाकी रहा तिल का निशान, तो कमबख्त आजकल की लड़कियाँ लड़कों की भी बाप बनी फिरती हैं। ये बड़े बड़े बूट, ये बड़े बड़े सैंडल और ये बड़े बड़े चप्पल, दिल तो दिल पांव तक नजर नहीं आता। लेकिन तुम चिंता मत करो चाची, मैं आर के राजू हिंदुस्तान का जासूस नंबर वन पता लगा कर ही छोड़ूंगा। माँ, वो मास्टर जी तो बिल्कुल चुड़ैल है, मुझे मास्टर जी से गाना नहीं सीखने देते। राजू तुम उसे फौरन डिसमिस कर दो। ऐसा नहीं कहती बेटी, मास्टरानी चली गई तो मास्टर भी चला जाएगा। तो फिर मास्टर जी को यहाँ बुलाओ, मैं उनसे यही गाना सीख लिया करूंगी। अच्छा, मैं उसे बुलवा भेजती हूँ। राजू बेटा, अरुण से जाकर कहो मैंने उसे बुलवाया, जाओ जल्दी से जाओ। लेकिन चाची। चलो ना। जाता हूँ। प्यारे, ओ प्यारे। बाबरे, क्यों प्यारे? हा? तुम्हारे मास्टर कहाँ है? क्या बात है? कोई खास बात नहीं? हा? सीता ने बुलवा भेजा। बुलवा भेजा है तो फिर फूट गई अपने गुरु की किस्मत। मगर हुआ क्या? पूछो मत बेचारा गुरु। अरे मगर क्या हुआ है तुम्हारे गुरु को? अच्छा भला था? क्या बताऊं बाबूजी, बात दरअसल ये है कि पहले जरा नकदऊ। जब देखो वही पुराना राग, नकदऊ नकदऊ नकदऊ। ये लो अब कुछ बात बनी ना। अब बात यह है बाबूजी कि सीता हमारे गुरु को गाना सीखने के लिए बुलाती है और हमारी बीबी गुरु को वहां जाने से रोकती है। अगर गुरु गाना ना सिखाए तो सीता नाराज, अगर सिखाए तो बीबी जी की तबीयत नरम गरम। बाबूजी अपने गुरु की हालत तो बिल्कुल जुराब जैसी हो गई है, एक तरफ पांव और एक तरफ जूता और बीच में गुरु मोजे की तरह घिस रहा है। क्यों प्यारे, अगर सीता मास्टर से गाना सीखती है तो इसमें तुम्हारी मालकिन का क्या जाता है? यही तो राज की बात है। हाँ अगर थोड़ा सा नकदऊ और मिले तो वो भी बताता हूँ। ये बात है? हाँ। ये लो प्यारे। ये तो बात हुई ना। अब बताओ। बात यूँ है कि पिछली बार जब हमारी मालकिन बीमार पड़ी थी ना, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी, याद है? उस वक्त आपके राय साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था? कहने लगे बड़ी आई धमकी देने वाली, जाती है तो जाने दो, हम अपनी सीता का लगन इससे कर देंगे। तुम जानो बाबूजी कि लालच किसे नहीं होता, गुरु के मुंह में भी सीता का नाम सुनकर पानी भर आया। इतना लालची है तुम्हारा गुरु? हाँ हाँ बाबूजी, दौलत का लालच तो हर किसी को होता है। देखिए ना, सीता ठहरी राय साहब की बेटी और राय साहब ठहरे बेशुमार दौलत के मालिक। आप भी दिल बड़ा करके जरा नकदऊ दीजिए, फिर सुनिए मुझसे। मैं बस 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 बस, जो सुन लिया वही बहुत है। चंद्रगुप्त आलीजा। आलीजा नहीं, मेरा स्तर, चलो घर। राजू मास्टर जी को नहीं लाए? आने से इनकार कर दिया है, बड़ा आया नवाब ज्यादा कहीं का। लेकिन सीता तुम परवाह मत करो, मैं आज ही उसे डिसमिस किया देता हूँ। देखो माँ, राजू मास्टर जी को डिसमिस कर रहा है। राजू जल्दबाजी में ऐसा मत कर बैठना, जाओ अपना काम करो, जाओ। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे कह के मास्टर जी को बुलवा दूंगी। मेरी अच्छी ये
चांद तारे सारे के सारे रख दूंगा पद्मों में एक दिन तुम्हारे। ला 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 ला। ये चांद तारे सारे के सारे रख दूंगा कदमों में एक दिन तुम्हारे। शाबाश शाबाश, चांद सितारे तो क्या सूरज भी तोड़ कर ले आना। पहले ये तो बताओ कि कभी एक चांदी का छल्ला भी बनवा कर दिया है इसे तुमने जो चांद सितारों की बातें कर रहे हो? देखो बिटिया, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाना। रानी बिटिया, तुमने तो हमारे यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया और तो और अरुण को भी मने कर दिया। तुम्हारा ख्याल है हम इसे तुमसे छीन लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम आया करेंगे। देखो बेटा, मैंने तुम्हें कई बार कहा लेकिन तुम सीता को गाना सिखाने नहीं आए। जानते हो कितनी परेशान है? राय साहब, इन दिनों मेरी तबीयत अच्छी नहीं, कल जरूर आऊंगा। कल नहीं, आज, बल्कि अभी तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आओ बिटिया। मुझे रसोई संभालना है, तुम चले जाओ। दोनों मशवरा कर रहे हैं? रहने दो जी, सब तुम्हारे जैसे थोड़ा ही है। ठीक है। क्या कहा? आई डोंट वॉन्ट टू डिस्प्लेस देम, प्लीज लेट्स गो। आई वॉन्ट कम, प्लीज थिंक अगेन। आई हैव थॉट इनफ। आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। आई डोंट लाइक योर डबल गेम। यू आर मिस्टेकन। आई एम नॉट। प्लीज थिंक सोबरली, व्हाट्स रॉन्ग इन गोइंग देयर? एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट लाइक टू सी देयर फेसेस। क्यों जी, कुछ समझ में आया ये क्या रिपीट कर रहे हैं? कह रहे हैं बुढ़े बुढ़ी की शक्ल देखने लायक नहीं, और सच भी तो है। बेटा अरुण, अब आओ भी। जी आ रहा हूँ। देखिए ना मास्टर जी, नग तो कहता है कि मास्टर ने आपसे 100% अच्छे हैं। हाँ हाँ, ये हमेशा उसी की तरफदारी करता है। नगदो तुम जाओ, वो घर पे अकेली है। आइए ना मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते, आइए ये तशरीफ लाइए। नगदो तुम जाके चाय ले आओ। शुक्रिया, चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया था। ये क्या बात है? नगदो तुम जाओ, आइए बैठिए। हाँ, आप कहिए क्या बात है? आजकल यहाँ जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रही होंगी। जी हाँ। और देखते हुए भी आप इस तरह चुप हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आप खुद क्यों नहीं अपनी मंगेतर को संभालते? अरे अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि मेरे बस में कुछ नहीं है। हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मुमकिन हुआ तो जरूर करूंगी। कहिए क्या चाहते हैं आप? कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मतलब है, सीता को गाना आप क्यों नहीं सिखाते? लेकिन वो मुझसे सीखना ही कहाँ चाहती है, इसीलिए तो उनसे सीखती है। मानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए। तो फिर आप उसे क्यों नहीं सिखाते? मैं? मुझे गाना वाना नहीं आता। आता नहीं तो सीखा तो जा सकता है। आप मुझसे सीखिए और घर जाके सीता को सिखा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात है, शुरू कर दीजिए ना। प्लीज आप मेरे गले पर ये जुल्म मत कीजिए। घबराइए नहीं, गाना ही तो है, कोई पहाड़ थोड़े ही खोदना है। आइए प्लीज सुनिए तो। आइए सुनिए प्लीज, मेरा गला सुनिए तो मेरा प्लीज। घबराइए नहीं। पानी सारे मारे निसा सा, एक दफा फिर से। सानी सारे मारे निसा सा, सानी सारे मारे निसा सा। पामा 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 पता, पामा 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 पता पापा। पागले में अटकता है, कुछ मजा नहीं आया ना? बहुत मजा आ रहा है जी, आप ऐसे ही गाते रहिए, एक दिन आप खानसा बन जाएंगे। अच्छा एक बार फिर सिखाइए। पामा 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 पता, पामा 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 पता। बहुत तकलीफ हो रही है जी। तकलीफ तो जरूर होगी, तकलीफ के बगैर काम भी तो नहीं बनता। चीखते चीखते एक राग बन जाएगा, चिल्लाते जाइए। तुम्हारी राय किसने पूछी है, जाओ अपना काम करो। सुनिए आप इस तरह गाइए। सानी सारे मारे निसा सा। देखिए इस सापा को बाजू में रखिए, गाने के बोल सिखाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं।
खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम मैं, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम। इतना घबरा क्यों रहे हैं, इस तरफ देखिए। हाँ जाइए। किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम मैं, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम। देखता है तुम इधर क्यों देख रहे हो? तो क्या देखना भी जुर्म है? ए नज़ू, तुम हमारे दरमियान इस तरह खड़े हो जाओगे कोई हमें देख ना सके। हाँ जाइए। खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, जाइए। खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, खुश यहाँ हम खुश वहाँ तुम, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम मैं, किस लिए फिर तेरी मेरी तू तुम मैं। आप इतना डरते क्यों हैं? आइए मेरे साथ। प्लीज देखिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आइए ना। प्लीज सुनिए तो। परवाह मत कीजिए, बैठिए यहाँ। हाँ हाँ बैठ जाइए, हम दोनों में फर्क ही क्या है, शहर के बाशिंदे हैं, कोई देहाती थोड़े हैं। ठीक है ठीक है, मुझे इन बातों की आदत नहीं, मैं जाता हूँ। नमस्ते। सुनिए सुनिए सुनिए, ओह देखिए कल आप यहाँ जरूर आइएगा, मैं आपको एक नया गाना सिखाऊंगा। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी। वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं चंद्रगुप्त। तुम क्यों जल रहे हो जी? मैं आनी जा, ये क्या है? घबराओ नहीं, ये बारो। अरे एक बार क्या, 100 बार कोशिश कर चुका हूँ। हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ कहीं सा है कहीं रे है कहीं गामा पाधानी है, कहीं भागेश्वरी की बहन कहीं जय जयंती की नानी है। आए बोझा सात सुर का हमसे, बाप रे उठता भी तो क्यों उठता। हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ गाना न आया बजाना न आया, दिलबर को अपना बनाना न आया। रधत्तरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम, अंग्रेजी में एक एटम। ओ माय सीता पपलू पपीता, ओ माय सीता पपलू पपीता, एक ही तू कीता। सोरिए सोनिए गोरिए गन्ने दिए पोरिए, काश कि मैं जा सकता लंदन। हेलो सर हाउ आर यू, सीख गया था वहां से वायलन। See how they run. See how they run.
पोरे घोरा पोरे Blind my अफसोस लेकिन ओ जाने मन हाय जाने मन कांटे छुरी से खाना न आया कांटे छुरी से खाना न आया दिलबर को अपना बनाना न आया दिलबर को अपना बनाना न आया गाना न आया बजाना न आया अरे ये नहीं आया अरे वो नहीं आया गाना न आया बजाना न आया गाना बजाना बजाना और गाना आप यहाँ कब से खड़े हैं जी अभी अभी आया अंदर तस्वीर लाई ना जी नहीं यही सीखू सीता ने मुझे आपके कमरे में जाने के लिए मना कर दिया सीता ने आपसे ये भी कह दिया जी सीता ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है ये आपके लिए आई आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं आइए मैं आपको गाना सिखाऊं आइए ना आइए चलिए गाना सीखिए नहीं नहीं अभी नहीं मैं उनका गाना खत्म होने तक वहीं रहूंगा आप यहीं बैठिए वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा मन ही मन क्यों जले वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा जमुना तट पर नंद कलाला जब जब रास रचाए रे जमुना तट पर नंद कलाला जब जब रास रचाए रे तन मन डोले ताहाए के बंसी मधुर बजाए रे सुत बुत फूली खड़ी गोपियां जाने कैसा जादू वन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की मेरी मैं तो हुई दीवानी मन मोहन मन भावन की तेरे कारण देख सावरे छोड़ दिया मैंने जग सारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा वृंदावन का कृष्ण कन्हैया
सबकी आंखों का तारा। बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या बात? कौन सी बात? वो घर जाना चाहती है, ये देखो छुट्टी की दरखास्त। छुट्टी? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? इन दोनों तुम दोनों में वो पहली सी बात नहीं रही। मैं सब कुछ देखता रहा हूँ। उसे मना लो, अगर वो चली गई तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जाओ जाओ जाओ। अच्छा समझा के देखता हूँ। लक्ष्मी की माँ, इन दोनों में अनबन हो गई है, हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। अगर बात बढ़ गई तो हमें इन दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। अजी दोनों बच्चे ही तो हैं, और फिर ऐसे मौके पर घर में समझाने वाला भी तो कोई नहीं। तुम चिंता ना करो जी, आज रात को खाने के बाद हम दोनों वहाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे। मैंने कहा देखो बात ये है। क्या बात है? कहते क्यों नहीं? कह दो तू, लेकिन मुझे तुमसे डर लगता है। अब डरने की क्या बात है? परसों तो मैं जा ही रही हूँ, फिर तुम्हें आजादी ही आजादी है, जो जी चाहे करते रहना। नहीं नहीं ये बात नहीं, जरा सोच समझ के कदम उठाओ। बहुत सोच चुकी, अब कोई गुंजाइश नहीं। तुम तो सिर्फ अपना ही भला सोचती हो, मेरी तो तुम्हें रत्ती भर परवाह नहीं। जरा सोचो, अगर तुम अचानक चली गई और फिर वापस भी ना आई तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? जो जी चाहे जवाब दे लेना। आज तक ऐसी कौन सी बात हुई है जिसका जवाब तुम्हारे पास ना हो? इसका भी कोई जवाब ढूंढ लेना। जवाब तो हर बात का हो सकता है, लेकिन बोलने को दिल नहीं मानता। जरा बताओ तो क्या जवाब दोगे? जाने दो, तुम गलत समझ बैठो। नहीं नहीं मैं गलत नहीं समझूंगी, बताओ ना। बताने की क्या बात, कह दूंगा तुम्हें वहाँ जाकर टाइफाइड हो गया, दो दिन के लिए मैं भी पेट पूजा बंद कर दूँ, और फिर राय साहब और उनकी बीवी मेरी मिन्नत समाजत करेंगे। बेटा अरुण तसल्ली रखो, वो अच्छी हो जाएगी, तुम अपनी आंखों से एक बार उसकी हालत देख कर आओ। और फिर मैं कहूंगा, नहीं राय साहब, मेरे चले जाने से स्कूल का क्या बनेगा, मैं नकदों को भेज देता, इस तरह कुछ दिन तो गुजर ही जाएंगे। और इसके बाद फिर क्या करोगे? इसके बाद बहुत आसान है, अगर तुम लौट आई तो बहुत अच्छा, नहीं तो नकदों की तरफ से एक टेलीग्राम मंगवा लूंगा। टेलीग्राम मेरे हाथ में होगा, आंखों से पानी का फव्वारा छूट रहा होगा, और फिर मैं एक लंबी सी ठंडी आह भरकर कहूंगा, राय साहब उस दिन मैं आपकी बात मानकर चला जाता तो अच्छा ही होता, लेकिन अब तो वो इतनी दूर चली गई है कि मैं जीते जी उसे नहीं देख सकता। तो क्या तुम ये कहोगे कि मैं मर गई? तो क्या मैं ये कहूँ कि तुम भाग गई हो? ओह माय गॉड। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ, इस पेट की खातिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेट के बहाने मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी चाल क्या है, मेरी मौत की खबर उन्हें सुनाओगे वो लोग सीता से तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे क्या परवाह है, कर लो शादी, मना रखने लिया, लेकिन अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। देखो अगर तुमने मुझ पर ये इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें इस घर से कदम भी बाहर न रखने दूंगा। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं जरूर जाऊंगी। तुम हरगिज नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। तुम कौन होते मुझे इजाजत देने वाले? मैं जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। बेटा अरुण सिर्फ समझ है, सबर। सबर गया भर में राय साहब, देखिए ना अभी दो महीने भी नहीं हुए और ये है कि घर जाना चाहती। कहिए ये बेवकूफी नहीं तो क्या है? तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो पहले ही महीने चली जाती। ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ। इस तरह रोया नहीं करते बेटी, मैं अरुण को समझा बुझा दूंगी, अगर बहुत जी चाहे तो एक महीने के लिए चले जाना। हुँ? रोते नहीं। मैं कब रो रही हूँ, आप सब जाइए यहाँ से। बेटा तुम अभी बच्चे हो, औरत का दिल इस तरह नहीं दुखाया करते, और फिर इन दिनों तो हर औरत अपनी माँ के पास जाना चाहती है, महीने के लिए। आप जाने और आपकी मर्जी, भेजना हो तो बेशक भेज दीजिए, लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं। देखो बेटा जिद मत करो, जाओ जाओ। और नहीं नहीं राय साहब, ये झगड़ा मनाने की हद से आगे गुजर गया है। तुम भी हद से आगे। राय साहब देखिए इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, दरवाजा खोल दीजिए। देखो न तो खबरदार जो दरवाजा खोला।
दरवाजा बंद कर लो। गुड नाइट। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। वो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। जाने के लिए तैयार है तो ले जाइए, लेकिन बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। अरे दोष की क्या बात है,
बेटी बेटी आज शाम को 7 बजे हम तुम्हारी रीत मना रहे हैं, तुम 5-1 बजे हमारे घर चली आना। लेकिन वो क्या कहते हैं? अरे अरुण बेचारा क्या कहेगा, उसने तो सब तुम्हारे पर छोड़ दिया है। अच्छा तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो आते वक्त अरुण को साथ ले आना। अच्छा बेटा मैं चली। ये रीत किस चिड़िया का नाम? दरअसल रीत रीत एक त्योहार का नाम है, औरतों का त्योहार होता है। जैसे कि उस दिन जन्मदिन की खुशी मनाई गई थी, उससे जरा बड़ी पार्टी होगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वचन दे चुकी हूँ आज जो कुछ भी वो करेंगे चुपके से सह लूंगी। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे दोनों आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रात को सोने का भी ऊपर इंतजाम करवा देना। अच्छा सुनो जी। क्या है जी? कुछ नहीं जी। मिलजुल के गोरी की गोद भरा रे।
देर हो गई है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। घबराओ नहीं बेटी, हमने अरुण को करवा भेजा है कि आज की रात को घर आओगे। देखो बेटा, बिटिया से ऐसा वैसा मजाक न करना, कहे देता हूँ। मैं चाहती थी कि तुम इतने मक्कार हो। देखो, मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब बुड्ढे बुड्ढी की पकाई हुई हंगिया है। मैं तो चोर का भेष बदलकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मामला जमाने। मिस मेरी, देखो ये हमारा आखिरी इम्तिहान। कुछ देर के लिए फर्ज कर लो कि हम दोनों अजनबी मुसाफिर हैं, दिल्ली से गाड़ी में सवार हुए हैं और बंबई पहुंचना है रात का वक्त। तुम उस चारपाई को रेल की सीट समझ कर सो जाओ, और कुछ नहीं कहना, बस सुबह तक की बात। सुबह तक क्यों, जाना है तो अभी चले जाओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम कहाँ जाओगे। तुम तो जानती, लेकिन मैं किस रास्ते से जाऊँ। मेरी जाने भला, जहाँ से जा सकते हो जाओ, लेकिन जाओ जरूर। लेकिन बाहर जाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं। हाँ, अलबत्ता यहाँ से कूदा जा सकता है, लेकिन ऊंचाई बहुत। और फिर तुम ये कैसे चाहोगी कि मैं यहाँ से कूद पड़ूं। मैं तुम्हें एक और रास्ता दिखाती हूँ, आओ। सीता, सीता आती है दीदी। अरुण भाग गया, और वो भी कूद कर। हाय राम, इतना चंचल लड़का है। तू रोने की मेरी बच्ची, सवेरे घर चली गई। मुझे ये तो बताओ, हुआ क्या था। कुछ नहीं, पहले आप मुझे जल्दी से घर भेज दीजिए। अच्छा, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चल आओ। मरे आपके दुश्मन गुरु, आखिर बात क्या है। अब क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी बीवी भी तो कल जा रही। चलो, रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा। गुरु, इस तरह हार मानना मर्दों का काम नहीं है, हम बीवी जी को नहीं जाने देंगे। लेकिन अब उसे रोकने वाला ही कौन है। और तो और, बुड्ढे बुड्ढी ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी। अब बात हाथ से निकल चुकी। मगर हाथ से निकल कर जाएगी कहाँ गुरु। गुरु, मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप भागा कीजिए, उस पर अमल करें। कौन सा रास्ता। वो खास रास्ता नहीं है, एक छोटी सी पगडंडी है। गुरु, आप ऐसे कीजिए कि आज रात को एक जोरदार बिल्लाब ले डालिए,
और सुनो, मैं दीदी जी से कहूंगा कि साहब को हैजा हो गया है, डर के मारे अब्बल तो वो जाएंगे नहीं, और अगर फिर भी उन्होंने अपना इरादा ना बदला तो गुरु राय साहब और राय साहब ने उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक और अच्छा तरीका सुझा। हो गया गुरु, बस मैं टांग खींचने का बहाना कर लूँ। ये टांग बीच में कहाँ से आ गई? खबर करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँ। माफ करना, मुझसे भूल हो गई। अब तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, न जाने किस जन्म के अच्छे कर्म किए थे जो सिर्फ टांग ही टूटी है, कहीं सर के बल गिरता तो दुनिया से रुखसत हो गया हो। खुलती खोई जाती है, ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी जो तुम पहचान सकती। ये क्या मजाक है, तुम यहाँ से जाओगी या मैं चला जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, कह जो दिया कि गलत थी मेरी थी। तो तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? गुरु बीबी जी संभाल लेंगे, संभाल लीजिए। आराम महसूस? मैं तो पहले ही जानता था कि जो ही बीबी जी ने हाथ लगाया आपका दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा। कई हाथ ही बड़े करामात वाले होते हैं गुरु। गुरु अब आप सो जाइए, बाकी का दर्द भी जाता है। ठीक कहते हो, लेकिन नींद कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं लोरी गाता हूँ, फौरन नींद आ जाएगी। सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा। बस, इस लोरी से तो आने वाली नींद भी लौट जाएगी। लोरी तो कोई खास बुरी नहीं है। मैं आपका मतलब समझ गया गुरु, आप चाहते हैं कि बीबी जी आपको लोरी सुनाए। हाँ भाई, कई आवाजें बड़ी करामात वाली होती हैं। अभी बीबी जी आप इनको लोरी सुनाइए, जब तक आप नहीं गाएंगे इनको नींद नहीं आएगी। Ooh.
क्या लेने आए हो? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, हाउ इनोसेंट मेरी, योर लव, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया है। अब प्रेम करा यहाँ मत लापना, इस सब से चले जाओ वरना। ये बात है? हाँ यही बात है। ये बात है तो मेरा कर चुका दो। अब सर कैसा, वो तो कब का अदा हो चुका? अदा हो चुका तो ख्वाब में अदा हुआ होगा। पक्के क्या हो, और रसीद जो है मेरे पास दिखाओ। दिखाओ मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। ये क्या है? दिखाओ, ये मेरे हाथ की रसीद नहीं हो सकती। वरना मैं तेरा दम निकालूंगा। तुम कौन होते हो? जमीन से बात करो, ये मेरे पति हैं। What? He's your husband? No, 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 impossible. तुम मुझे छोड़कर एक हिंदू से शादी नहीं कर सकती। महाराज महाराज देखा आपने, ये लड़की ईसाई है। ईसाई? राम 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 राम, मैं तो इसके खुद को ईसाई समझा था। अब समझा, झूठ मूठ के पति पत्नी बनकर यहाँ नौटंकी खेली जा रही है। चलो मैं राय साहब को कहकर इन दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगा। मिस्टर अरुण पिए, आई गिव यू लास्ट चांस, आखिरी मौका। या तो सीधी तरह से मेरी को मेरे हवाले कर दो, वरना दगाबाजी के इल्जाम में तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। नो मोर फ्रॉड। तुम मुझे जेल भिजवाओगे? मिस्टर जॉन विल नेवर से झूठ। तो क्या मैं तुम्हारा पति हूँ? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। अरे ये क्या, ये क्या कर रहे हो? अच्छा तो कल रात से झूंगी खेला जा रहा था। तो इतने दिनों से जो खेल तुम खेल रही हो वो ठम नहीं है? लेकिन दगाबाजी की भी हद होती है। नफसहू तुम्हारी टांग के इलाज के लिए मुझसे 10 रुपए भी ले गया। अच्छा तो वो तुम पर भी हाथ साफ कर गए? खैर जाने दो, अपना ही याद। अच्छा ये बताओ, अब राय साहब जॉन के साथ आते हैं, उनको क्या जवाब देना? आज सबको साफ साफ बता दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरी ही चली जाएगी ना, और क्या होगा? देखिए मैं बाइबल की कसम खा के कहता हूँ कि वो लड़की ईसाई है, उसका नाम मेरी है, मेरी डिसूजा, और वो लड़का हिंदू है, वो मियां बीवी नहीं है। लेकिन मुझे कैसे यकीन आए, कोई सबूत है? देखिए मैं आपको वो खत दिखाता हूँ जो मेरी ने अपने बाप को लिखा था। है? ये लॉकेट तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? ये लॉकेट मेरा है। नौ सच सच बताओ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मिस्टर इनफैक्ट ये लॉकेट मेरी के घर वालों का है, इसे उन्होंने मुझे कर्ज के बदले में दिया है। राइट, तुम यहाँ चुपके से बैठे रहो। चंद्रगुप्त हाल जा, जरा भाई साहब का ख्याल रखना। मगर चाची चाची चाची, क्या ये हमारी लक्ष्मी का लॉकेट है? ये तो हमारी लक्ष्मी का है, मगर यहाँ कैसे आया? एक आदमी बम्बई से लेकर आया, कहता है हमारी मास्टरनी के घर वालों का है, उन्होंने उसे कर्ज के बदले में दिया। अरे है तो अपने बच्चे का है। अरे हाँ, अपने स्कूल मास्टरनी की शक्ल भी तो हमारी लक्ष्मी के साथ बिल्कुल मिलती है। लेकिन चाची वो तो कहता है कि वो लोग ईसाई हैं। हो सकता है उनके घर में पली हो। राइट, ये भी हो सकता है। जाओ तो अपने चाचा जी को बुलाओ, हम जाकर पता लगाएंगे। चाचा जी, ओ चाचा जी। बेटी बेटी, हाँ हाँ ये हमारे साथ आया, हम जानना चाहते हैं तुम दरअसल कौन हो। और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि मेरा नाम मिस मेरी है, मैं एक ईसाई लड़की हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई और अब मैं उनसे शादी कर रही हूँ। गुड गॉड, देखा देखा आपने, इस लड़की की सगाई मुझसे कराई गई है और शादी उस चमर झुनझुन से कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? दिस इज नॉट जस्टिस। आप जरा इधर देखिए, क्या ये लॉकेट आपका है? हाँ ये लॉकेट हमारा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? यही हजरत लेकर आए, कहते हैं आपके घर वालों ने इसे कर्ज के बदले में दिया। ये झूठ बकता है, जरूर इसने चुराया होगा। मैंने चुराया है तो क्या मैं चोर हूँ? हो सकता है, फर्ज किया कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो झूठ साबित हो और जो कुछ इन्होंने कहा है वो सच निकले, तो फिर तुम्हारी क्या सजा? अगर ऐसी बात हुई तो मेरी का सैंडल और मेरा सर। राइट, क्या आप बता सकती हैं कि ये लॉकेट आप अपने बचपन में पहनती थी? नहीं। तो फिर ये आपके घर में कहाँ से आया? ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि लॉकेट बहुत दिनों से हमारे घर में है। आपके माँ बाप जिंदा है? हाँ। उनकी उम्र क्या है? पापा की उम्र 60 साल और मम्मी की 50 के लगभग। गलत सर, ये बिल्कुल गलत है, उनकी उम्र 50-60 से ज्यादा है। आपके कोई भाई बहन है? नहीं, मैं उनकी अकलौती लड़की। राइट, ना कोई भाई ना कोई बहन,
माँ बाप सुबह बूढ़े, इन बातों से ये नतीजा क्यों नहीं निकाला जाए कि आप उनकी गोदली हुई लड़की है। हाँ हाँ, अब नुक्ता मिला। नुक्ता उक्ता कुछ नहीं, आखिर ये तेरे मेरे सवाल पूछने से आपका मतलब क्या है? शांति से, शांति से, बिगड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बातों से इतना तो पता चल गया कि आप अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं। 16 आने में 18 भर सबूत तो मिल गया, बाकी 1 18 अभी पर्दे में। जरा अपना दायां पांव तो दिखाइए, हो सकता है वहाँ कोई तिलविल का निशान हो। इस तरह बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आप चाहें तो हम यहाँ नौकरी करेंगे, वरना हम अपने घर चले जाएंगे। हमें इस तरह दलील करने का आपको कोई हक नहीं। उन्हें बुला लो, हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे। अरे बेटी, जरा सब्र से काम लो, तुम्हें नौकरी छोड़ने को कौन कहता है? सर सर, ये आप क्या जुर्म कर रहे हैं? आप जैसे जेंटलमैन को तो इंसाफ करना चाहिए। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, प्लीज सेंड हर विद मी। कम कम माय लड़की। देखो बिल्कुल, तुम नहीं जानते ये लड़की कौन है। अगर बदतमीजी से काम लिया, जूता देखा है ना मेरा? चाचा जी, आप अपना जूता क्यों खराब करते हैं? इसके सर के लिए तो मैडम का जूता काफी है। मेरे ख्याल में इन दोनों का आपस में जरूर कुछ मामला है, खुद फैसला कर लेने दीजिए। मिल गया, दिल मिल गया, दिल मिल गया, दिल मिल गया। ये तो हमारी लक्ष्मी है, हमारी लक्ष्मी। मेरी नाती, महात्मा ने मेरी तुम नहीं जानती मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। कितनी अच्छी है मेरी दीदी। क्या मुसीबत है, ये सब क्या मुसीबत है दीदी? ओ दीदी, चंद्रगुप्त, इस प्रेमी पुरुष को पुलिस स्टेशन ले जाओ। सर मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाइए, मत। माय होली फादर, फादर प्लीज सेव मी, मुझे बचाइए। ये सब लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। ये चोर नहीं बल्कि डाकू है, डाकू। इसे फौरन पुलिस स्टेशन ले जाओ। ओह फादर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप जरूर मेरी के माता पिता हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, वो लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। चंद्रगुप्त, आज का दिन नेहत मुबारक है। मेरी के नकली माँ बाप का पता भी चल गया। ये क्या, ले चलो इसे पुलिस थाने, ले चलो। पापा, मम्मी, मेरी मेरी बच्ची। पापा देखो, पापा ये कहते हैं मैं इनकी लड़की हूँ, इन्हें समझाओ ना पापा। हाँ मेरी बच्ची, ये सच है कि तुम हमारी बेटी नहीं। 16 वर्ष पहले तुम हमें नासिक में मिली। हमने बहुत कोशिश और तलाश की कि तुम्हारे असली माँ बाप का पता चल जाए, लेकिन कुछ कामयाबी ना हो। और फिर ये सोचकर कि शायद मेहरबान यीशु मसीह ने हमारे वीरान घर को आबाद करने के लिए नन्ना सा तोहफा दिया है, हमने तुम्हें पालना शुरू कर दिया। बेटी, तुमने हमारे यहाँ जन्म नहीं लिया। अगर औलाद की यही कसौटी है तो फिर तुम इन्हीं की बेटी। मेरी बेटी सीता, मैंने कहा था ना कि नई मास्टरानी हूँ, बहू तुम्हारी बहन जैसी है। मेरी बात सच निकली ना? सीता मुझसे बात ना करो, कितनी अच्छी है मेरी छोटी सी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी गुड़िया बहन, मेरी रानी बहन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कल तक तो दोनों में महाभारत हो रहा था, आज इतना प्यार हो गया है। चाचा जी, मैं बड़ी हिफाजत से जॉन को पुलिस के हवाले कराया हूँ। शाबाश शाबाश, ये है राजू, मेरे एक दोस्त का लड़का, बचपन से ही हमारे घर में रहता है, हिंदुस्तान का 10 नंबरिया जादू। थैंक यू चाचा जी। और लक्ष्मी को ढूंढ निकालने का सिरा भी इसी के सर पर है। मैं इसकी लियाकत के सिले में अपनी सीता का हाथ इसके हाथ में लेता हूँ। मिलियन थैंक्स चाचा जी। और भी है तुम्हारे लिए लक्ष्मी। और मेरे लिए नक्ता। लाइए लाइए लाइए। ए, देखो आज से नकदो वक्तो बंद। ओ अच्छी बात है, चल भाई नकदो तेरी छुट्टी। अरे कहाँ चले जा रहा हूँ जी, बनवास, और कहाँ जाना है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, आप भी जाइए, आपको भी छुट्टी है। हाँ मगर ठहरिए ठहरिए, थोड़ा नकदो।